सवाल है इब्न सीना रूह के मुतालिक। हवा हमारी रूह के लिए मुसलसल और मुस्तकिल इमदाद है जो बदरिया तनफ्फुस पहुँचती रहती है। उससे कौल गलत साबित हो जाता है कि शरियानों में सिर्फ रूह होती है। हवा अंसर की हैसियत से नहीं बल्कि फाइल मुअस्सर की हैसियत से रूह को मुतदिल करती रहती है। ये कौल साबित करता है कि हवा रूह को मुतदिल करती है, रूह नहीं है। जो हवा हमारे चारों अतराफ मौजूद है वो खालिस नहीं है बल्कि उसमें अजाए हवातिया के साथ पानी के बुखारात, मिट्टी के अजा, धुआं, गुबार, आग के अजा, तखानियाँ शरीक होते हैं। अरस्तु का मजहब रूह के मुतालिक ये है कि रूह कल्बी या रूह हैवानी की तरफ मुतावल या नफ्स तवज्जो करता है जिससे तमाम कुव्वतें पैदा होती हैं। इसलिए उन कुव्वतों के अफाल रूह हैवानी से शुरू होते हैं, सादिर नहीं होते। जिस तरह आत्मा के नज़दीक रूह नफसानी से एहसासात उस वक्त तक जाहिर नहीं होते जब तक कि ये रूह रतूबत जल्द या ये जबान की तरफ नफूज नहीं करती। बगैर बसारत तो जायका अंजाम नहीं पाती, लेकिन जब रूह हैवानी दिमाग को जिस्म में दाखिल हो जाती है तो उसमें एक मखसूस मिजाज पैदा हो जाता है। रूह कुव्वत के साथ होती है और एक सबब दूसरे का शरीकार होता है। कवा के मुतालिक जिस मुश्तरक ख्याल को फिलासफर दो कुव्वतें मानते हैं लेकिन अतबा उन दोनों को एक वो तस्लीम करते हैं। दिमाग से अदा होने वाले अफाल यानी अफाल इरादिया, अफाल हिस्सिया, अफाल गौर फिकर होते हैं। बदन की तीन हालतें हैं, सेहतमंद बदन, गैर सेहतमंद बदन, सेहतमंद और गैर सेहतमंद बदन। एक उज्व किसी जुज्व के कमजोर होने से पूरे बदन में कमजोरी पैदा कर देता है। ख्यालात की ताकत रूह की ताकत होती है। असबाब व अवारिज के मुतालिक बाद अलामात व अवारिज वक्ती तौर होते हैं जैसे तेज बुखार, चुभने वाला दर्द, सांस में तंगी, खुश खांसी, नब्ज में मुंतशारियत, फेफड़ों की झिल्ली के वर्म के साथ वाबस्ता होती हैं और जब फेफड़ों की झिल्लियों का वर्म खत्म हो जाता है तो अवारजात भी खत्म हो जाते हैं। बाद बैरूनी अलामात अंदरूनी अमराज को वाजह करती हैं जैसे उंगलियों का छोटा होना, जिगर छोटे होने की अलामात शुमार की जाती है। बाद अवारदात व अलामात मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालते हैं। जालीनूस के नज़दीक उन अवारदात से सिर्फ मरीज को फायदा पहुंचता है हालांकि उनसे मरीज और मुआलिज दोनों को फायदा होता है। बाद बीमारियां गुज़श्ता हालात को बताते हैं जिससे तबीब की हदाकत मालूम हो जाती है। बाद अवारदात आइंदा वाकयात व हालात की निशानदेही करती हैं जिससे तबीब और मरीज दोनों को फायदा पहुँचता है।